तो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगा। नाम मेरा राधेश्याम और बेसिकली मैं पंजाब सिटी हबोर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे आज आप इस सेशन के अंदर बैठे हैं और कुछ ना कुछ विजन लेके बैठे हैं कि हाँ यार इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, जैसे हमारा कल एक सेशन हुआ है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें वो क्लियर करवाई गई है ना, और आज आप इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, और आज आपका बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है वो बढ़ने वाला। तो आज से जैसे आज आप इस सेशन के अंदर बैठे, ऐसे ही मैं आज से 2.5 साल पहले इस सेशन के अंदर बैठा। वो सेशन था वो ऑफलाइन सेशन था है ना, और उसके अंदर बैठा और मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है बंदे को समझ नहीं आता। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली मेरे को कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई, और जैसे ही मैंने सेकंड थर्ड ट्रेनिंग लेता गया और मेरे को बहुत सारी चीजें वो इस बिजनेस के अंदर क्लियर हुई, और मेरा एक विजन बना भी इस बिजनेस को मेरे को क्यों करना है क्लियर हुआ। आज के टाइम के अंदर हर इंसान को क्या चाहिए, पैसा चाहिए है ना, और वैसे ही मैं आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आया, और सिर्फ किसके लिए, एक पैसे के लिए है ना। और जब ट्रेनिंगें लगाई तो बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसी क्लियर होगी भी यार यहाँ पे पैसा तो मिलेगा, पर यहाँ पे बहुत पैसे के अलावा तेरे को बहुत सारी चीजें वो मिलने वाली है क्लियर हुआ। तो इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर फादर साहब की बात करूं तो पापा मेरा टेलर का काम करते हैं, एक दर्जी है ना। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अगर आज की बात करूं तो यहाँ पे मैं मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं खुद मैनेजर नहीं हूँ, बहुत मेरी टीम्स के अंदर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो यंग एज के अंदर मैनेजर है वो बन चुके हैं, और जो मंथली 1 लाख से अबव कमा रहे हैं क्लियर हुआ। और आज के इस बिजनेस से मैं भी लाखों रुपया वो अर्न कर रहा हूँ, और हुआ कैसे वो सारी चीजें मैं आज आपको इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाला हूँ क्लियर हुआ। तो आप सिर्फ 1 मिनट बने रहें, मैं आपके साथ स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। ओके, तो सभी के पास जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है। ओके, तो सभी के पास वो स्क्रीन है प्रॉपर तरीके से क्लियर आ रही है ना, तो एक बार मेरे को ऐसे कर दें सभी। ओके, तो सभी के पास स्क्रीन है वो शेयर हो रही है। तो आज आपका वेलकम है टीम 23 के अंदर, और आज से 2.5 साल पहले जैसे मैंने आपको बताया मैं भी इस ग्रुप के साथ टाई अप हुआ मेरा, टीम 23 के अंदर मैं आया, और इसी टीम 23 के बदौलत आज मेरी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी है, और वही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। डू यू वॉन्ट चेंज योर लाइफ? आज के टाइम के अंदर ना हर पर्सन चाहता है मेरी लाइफ है वो चेंज हो है ना, कौन नहीं चाहता आज के टाइम के अंदर भी यार, कौन नहीं चाहता भी मेरी जिंदगी है मेरी लाइफ है वो चेंज ना हो। हर इंसान चाहता है, हर पर्सन चाहता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, पर वो चेंज करने चाहता तो है पर उसके पास वैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। जैसे आज से कुछ टाइम पहले मैं भी एक चाहता था यार मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, मेरे पास अच्छा पैसा आ जाए है ना। मैं काम कर रहा था, जहां पे मैं काम कर रहा था वहां पे मेरे को कुछ पैसे आ रहे थे, तो वहां से क्या घर सर्कल ही बहुत ओखा चल रहा है ना,
तो वैसे ही मैंने क्या किया यार, कुछ बड़ा करें है ना, और बड़ी अपॉर्चुनिटी की भाल में था मैं भी, और मेरे को भी वैसे क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आज आप बैठ चुके हो। ए माइंड इज ए लाइक ए पैराशूट। तो एक जो माइंड होता है ना, जो माइंड होता है वो एक पैराशूट की तरह होता है, जो हमारा माइंड होता है वो एक पैराशूट की तरह होता है। तो आप यहाँ पे बैठ रहे हो 45 मिनट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड्स को ओपन रखना पड़ेगा। क्या होता है, अगर मान के चलो हम एक पैराशूट लेके हम अगर हवाई जहाज से छलांग लगा रहे हैं, अगर वो टाइम पे ना खुले तो क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है, बंदा भगवान के पास चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, अगर आप अपने माइंड्स को बंद करके बैठे हो तो आपको कुछ भी चीजें हैं वो क्लियर नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने माइंड्स को ओपन करके बैठे हो तो 45 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। इस बिजनेस को क्यों करना, क्लियर हुआ तो सभी ने क्या करना है, अपने माइंड्स को ओपन करके बैठना है। अगर जिस भी पर्सन के पास अगर 45 मिनट नहीं है, वो अभी भी सेशन के अंदर से जा सकता है। यहाँ पे क्या है, समथिंग 400 के समथिंग पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, क्लियर हुआ। तो आपने लास्ट तक ऐसे ही बने रहना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। अंडरस्टैंडिंग, ये बिजनेस है वो आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये चीज नहीं है भी हाँ हम आ गए, सर ने हमारे को बताया, हमने सुन लिया, इधर से निकाल लिया, या जिस पर्सन ने हमारे को इस ट्रेनिंग का लिंक है वो शेयर किया, चलो ओके। नो, आपको प्रॉपर तरीके से जो पूरी ट्रेनिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। डू यू वांट योर ड्रीम्स? आज के टाइम के अंदर हर इंसान के ड्रीम्स है, क्या हर इंसान के ड्रीम है, पर वो क्या करते हैं, ड्रीम्स को अपने अंदर छुपा लेते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर नहीं लेके आते। किस वजह से बाहर नहीं लेके आते हैं, यार दोस्तों, अब मान के चलो कुछ टाइम पहले है ना, जैसे कंसेप्ट मिला है ना, जैसे मेरे भी हर ड्रीम थे ना यार, बुलेट बाइक लेना है, गाड़ी लेना है, फादर साहब को है ना, मम्मा को घर बना के देना है ना, सिस्टर की मैरिज करनी है, ये छोटे छोटे काम थे वो है ना यार। पर उस वो काम तभी होते हैं जब हमारे पास पैसा होता है, पैसे के बिना वो भी नहीं होते हैं। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। पर ये ड्रीम्स हम बाहर क्यों नहीं लेके आ, चलो शादी करनी है वो ड्रीम नहीं होता, वो क्या होता है, एक फर्ज होता है ना, चाहे फादर साहब का है, चाहे वो भाई का है, किसी भी इंसान का वो एक फर्ज होता है। क्लियर हुआ, वो एक ड्रीम नहीं होता। गाड़ी लेना बंदे का ड्रीम होता है ना यार, मैं गाड़ी इंजॉय करूं, पर मैं करूं किस एज के अंदर, एक 70 साल की एज होती है, 80 साल की एज होती है, एक होती है 21 की एज, 25 की एज, 30 की एज, भी उस एज के अंदर मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूं है ना, मैं अच्छा मैं सेलफोन रखूं, मेरे पास अच्छा बाइक हो है ना। पर ये ड्रीम्स हम क्यों नहीं लोगों को बताते हैं, इसलिए नहीं बताते भी, अगर हमने उनको बता दिया तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हमारे को पैसा आना, जहां से हम इस ड्रीम्स को पूरा कर पाए, इसलिए नहीं बताते। और जब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे आज आपको ये सिस्टम मिला, इस सिस्टम के अंदर आज आप आए है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने दोस्तों को बताने से या अपने फादर साहब को, अपनी मम्मा को बताने से आप डरते हो। क्यों डरते हो, इस वजह से भी वो हमारे को मना ना कर दे है ना। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो भाई कोई भी चीज लगा लो, जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए यहां से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे 10,000 का काम कर लो, चाहे 50,000 का काम कर लो, चाहे 1 लाख का काम कर लो, उसके अंदर आपके अंदर एक जुनून, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके आप उस काम के अंदर सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे ना, भाई मैंने ये चीज लेनी है, वो एक कमिटमेंट हो जाती है लोगों के साथ। अगर आप कमिटमेंट करोगे तभी आप उस चीज तक पहुंचोगे। आज के टाइम के अंदर दुनिया के अंदर कोई भी इंसान लगा लो, जहां पे भी वो पहुंचा है उसने चैलेंज किया, किसके साथ, लोगों के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को आगे लेके आना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को जगाना पड़ेगा, बाहर लेके आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और जब तक आप अपने ड्रीम्स को बताओगे नहीं, तब तक आप
अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी नहीं हो पाओगे, आप बैठे रहोगे, आप उसी प्लेटफॉर्म उसी जगह पे उसी घर पे उसी सिटी के अंदर उसी गांव के अंदर हम क्या होते हैं जहां से जन्म लेते हैं, फिर कुछ टाइम वहां पे हमने जिंदगी बताई और वहां पे ही हमारा क्या हो जाता है, एज पूरी हो जाती है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ड्रीम्स होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। वैल्यू टाइम, आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, टाइम हमारे लिए कितना कीमती है। क्लियर हुआ? हमने पहली से लेकर 12 साल हमने क्या करी, स्टडी करी, स्कूल के अंदर हमने लगाए, हमारे को कुछ नहीं पता होता यार लाइफ के अंदर क्या करना है ना। स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को पढ़ के वहां पे घर पे आ जाते हैं, हमारा विजन ही नहीं होता। स्टूडेंट जाते हैं, मैडम टीचर हमारे को पढ़ा देते हैं, हम पढ़ के जो होमवर्क मिलता है वो घर लेके आ जाते हैं, है ना। हमने 12 साल वो निकाले, उसके बाद में हमने IT डिप्लोमा किया या डिग्री ली, हमने 5 साल वो निकाल दिए, कुछ बना लाइफ के अंदर। आज हमारी कम से कम 21-22-23 साल की एज हो चुकी है, उस एज के अंदर आज हम पहुंच खा रहे हैं, टाइम हमारा निकल रहा है। क्लियर हुआ? टाइम हमारा निकल रहा है। आज से पहले हमारे 21 साल 20 साल निकल चुके हैं, हमारे पास कितना टाइम बाकी पड़ा है, कम से कम 4 साल 5 साल, किसी के पास 6 साल होंगे, इतना टाइम हमारे पास बचा है। देखो करियर बनाने का जो टाइम होता है ना वो यही टाइम होता है ना, पर करियर बनाए कैसे, बंदा कंफ्यूजन हो जाता है, बंदे क्या करे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे पढ़ी जा रहे हैं, अच्छी डिग्री PhD MTech करके पूरी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, उनके पास सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू क्या है। आज हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, हमारी एज भी अच्छी है, ठीक है, इतनी हमारी एज नहीं है, है ना, और हमारे को आज सिस्टम भी मिल गया, उसका विजन आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो आपकी लाइफ है वो आपने कहां पे लगानी है। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ? तो टाइम की आप रिस्पेक्ट करना सीखो, चेंज। ये जो स्क्रीन है जो मैंने आपको ये जो दिखाई है, यहां से बहुत सारी चीजें जो आपको क्लियर होने वाली है, चेंज और चांस, फर्क कहां पे है, सिर्फ एक अक्षर के अंदर, जहां पे चांस है और वहां पे चेंज, जी और सी के अंदर चेंज है और बिल्कुल सब चेंज है, सेम पड़ा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज आपको क्या है, चांस मिला है, ठीक है, और चांस लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार मिलता है, और चेंज हमारे को खुद को करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? चांस आपको मिल गया, भी आपको सिस्टम, और वो सिस्टम कभी भी अपने आप नहीं मिलता, वो किसी ना किसी के थ्रू मिलता है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हो रही है ये चीजें, है ना, और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ड्रीम जॉब, ये किस किस का ड्रीम है भाई, हर इंसान का ड्रीम होता है। आज से पहले मैं भी बोल रहा हूं मेरा ड्रीम था, ठीक है यार, लाइफ के अंदर जॉब करनी है, एक अच्छे लेवल की जॉब करनी है ना, या आर्मी के अंदर जाना है, देश की सेवा करनी है ना, एक फौजी बनना है, और फौजी को सलूट बजते हैं, है ना, हाथ के अंदर पिस्टल पकड़ना है ना, ये चीज था भी यार, लाइफ के अंदर जॉब करनी है हर इंसान के। आप भी काफी बैठे हो, है ना, आपका भी ड्रीम है यार, इतनी स्टडी कर ली, उसके बाद में क्या करना है, जॉब करनी है, पर क्या लगता है आज के टाइम के अंदर जॉब है हमारे पास। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, हमारे दादाजी के टाइम के अंदर, हमारे फादर साहब के टाइम के अंदर क्या हो रहा था, आर्मी के अंदर और पुलिस के अंदर क्या हुआ, घर से उठा उठा के इंसान को लेके गए, या जो बंदा स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था 20-20 साल की एज के अंदर, 18-18 साल की एज के अंदर, घर से उठा के बंदों को ले गए आर्मी के अंदर, ले जाके उनको ज्वाइन करवा दिया, भर्ती पहला दी, उनको ट्रेनिंग दी और उनको बॉर्डर पे खड़ा किया, ये चीज हुई। पर लोगों ने उस टाइम क्या किया, उनको नेगेटिव किया, वहां पे तेरे गोली मार देंगे, वहां पे तेरे के साथ ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी, लोगों ने उनको नेगेटिव किया, और जो बंदा लग गया वो आज अच्छा पैसा कमा गया, अपनी लाइफ सेट कर गया, अपने बच्चों की लाइफ है वो सेट कर गया, अच्छा पैसा जोड़ गया, अच्छा घर बना दिया, अच्छी गाड़ी ले ली,
हर चीज एंजॉय कर रहा है, पर जो बंदे उसको छोड़ के आगे, आज वो कहां पे है, कहां पे बैठे हैं, आज वो पिस्ता रहे हैं, क्लियर हो रहा है आपको? पर वो टाइम था जॉब का, पर आज हम क्या कर रहे हैं, इस जॉब के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमारे को जॉब मिल रही है? अगर जॉब होती तो हमारे को इतनी स्टडी करनी पड़ती? नो। पर आज का जो टाइम है वो किसका है? एक बिजनेस का। और बिजनेस कैसा करना चाहिए? एक डिजिटल बिजनेस, जिसके अंदर आपको जाना भी ना पड़े, आप घर बैठे एक अच्छा पैसा अर्न कर लो, एक नेटवर्क मार्केटिंग, समझ रहे? और आज हम जो पढ़े लिखे हैं वो आज इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये चीज है वो निकल चुकी है। आज आपको समझना पड़ेगा, आज इस चीज को छोड़ के आपको बिजनेस के प्रति आना पड़ेगा, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर हमारे पास फिर पिस्तावा रह जाएगा। भाई इसके लिए तो हमारा पिस्तावा बैठा ही है, हम कर ही रहे हैं। अगर आज जो चीज हमारे हाथ के अंदर है, ठीक है, 21वीं सदी का बिजनेस है, वो चल रहा है, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। बिजनेस और जॉब, जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जॉब क्या थी और कहां तक आपको लेके जा सकती है। आप एक चीज, आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जॉब कितने टाइम तक होती है? 60 साल तक जॉब होती है ना, पर 60 साल जॉब करने के बाद में बंदा डेड, उसके हाथ से वो चीजें निकल जाती है। हमारा जो जॉब वाला, जो जहां से हमारे को पैसा आ रहा है, उससे हमारे को पैसा वो बंद हो जाता है। पर अगर आपका कोई भी बिजनेस लगा लो, मार्केट के अंदर बिजनेस लगा लो या छोटा मोटा बिजनेस लगा लो, अगर वो आपका पड़ा, आप इस दुनिया से चले भी जाते हो, तो आपका बच्चा, आपका पोता आपका बिजनेस को संभाल सकता है, वो उस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे भी लेके जा सकता है। पर कोई भी चीज होती है, बंदे का यहाँ पे क्या माइंडसेट हो जाता है, यार मैं इसके अंदर कामयाब ना हुआ तो यहाँ पे हमारे को ये चीज करनी पड़ेगी। देखो इन्वेस्टमेंट बात आती है ना, तो आप इस विजन को क्लियर करके चलो। भाई जो जिंदगी होती है ना, जो हमारी जिंदगी है, वो हमेशा किस पे चलती है? रिस्क पे चलती है। अब मार्केट के अंदर जा मान के चलो, रोड पे हम निकल रहे हैं, बाइक लेके निकल रहे हैं, जब हम गाड़ी लेके भी निकल रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होती है, और भी बहुत सारी गाड़ियां वहां से निकल रही है, और भी बहुत सारी गाड़ियां वहां से निकल रही है। हमारे को वहां पे डर क्या होता है? एक्सीडेंट का डर होता है। क्या डर होता है? एक्सीडेंट का डर होता है। अगर आपको जिंदगी प्यारी है ना, आप चाहते हो भी मैं पूरी जिंदगी जीऊं, तो आप अपना बाइक या गाड़ी वो रोड पे ना लेके जाओ। अगर आपको लेके जाना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है ये चीजें? तो हमेशा जिंदगी किस पे चलती है? रिस्क पे चलती है। आप स्कूल के अंदर स्टडी करके आए, वहां पे भी आपकी जिंदगी रिस्क पे थी। हो सकता है आप अच्छी स्टडी कर लो, आप फर्स्ट डिवीजन पे भी आ सकते हो। हो सकता है आपसे घट स्टडी हुई, तो आप सेकंड डिवीजन पे भी आ सकते हो। हो सकता है आप नहीं पढ़े, आप पास हो सकते हो। हो सकता है आपने वो पढ़ा ही नहीं है, आप किस पे, नकल पे है ना, नकल पे बैठे हो भी, नकल चलेगी तो ओके है। हो सकता है नकल ना चली, आप क्या हो गए? फेल हो गए। वहां पे भी जिंदगी रिस्क पे होती है। कितने वहां पे लेवल्स होते हैं, पास, सेकंड, थर्ड, पास, उसके बाद में फेल की डिवीजन आती है। क्लियर हो रहा है? ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इन चीजों के बारे में मेरे को भी पहले नहीं पता था, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में मेरे को पता चला, भाई जो ये बिजनेस है वो तेरे को कहां तक लेके जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को कहां तक पहुंचा सकती है। तो वही चीज मैंने करनी स्टार्ट करी, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी है ना। बिजनेस के अंदर क्या होता है? पीस ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड क्या होता है ना, भी आपको किसी भी पर्सन का वहां पे आपका बॉस नहीं होता, कोई भी पर्सन एक तो है ना, कोई भी आपको बोलेगा नहीं, आप अपने मन से, आप अपने दिल से जो करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। जितना टाइम आप अपने बिजनेस को देना चाहते हो, उतना टाइम आप वहां पे स्पेंड कर सकते हो, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है जिसके अंदर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करे हैं। अगर आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना है,
कहीं पे आपको मैरिज अटेंड करने के लिए जाना है, बर्थडे पार्टी के अंदर जाना है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, सैटर डाउन किया, आप जा सकते हो, ओके है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 4 दिन पहले बोलना पड़ेगा अपने बॉस को भी, हाँ मेरे को उस दिन इतने बजे मेरे को छुट्टी चाहिए और इतने दिन की चाहिए। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, वो आपके बॉस पे डिपेंड करेगा। आपका बॉस चाहेगा तो वो आपको छुट्टी दे सकता है, अगर वो नहीं तो वो आपको वहां पे नहीं, वो आपको बोलेगा भाई काम बहुत है। समझ आई ये चीजें? और इस बिजनेस के अंदर आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप अपने हिसाब से टाइम है वो अपने बिजनेस को दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको हर पर्सन गाइड करेगा। जैसे आज मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जहां मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जैसे कल सुनील सर की आपने ट्रेनिंग लगाई, उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी है ना, बहुत सारी चीजें आपको बताई। 21वीं सेंचुरी का रेगुलेशन, ठीक है, और ये 21वीं सदी का बिजनेस है। और बहुत सारे जो बिजनेस थे जो हमने छोड़ दिए, क्विट कर दिए, और आज आपके हाथ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इस टर्निंग पॉइंट को समझ गए, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। अगर आज आपने इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग को आपने प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, आप बहुत सारी चीजें वो अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से मिस कर सकते हो, छोड़ सकते हो। आज से कुछ टाइम पहले ये रेगुलेशन आए थे, है ना, और ये हमारे टाइम पे ही आए थे। हमारे दादाजी के टाइम आए थे, है ना। कंप्यूटर चला था, दादाजी ने क्या बोला, बैंक के अंदर कंप्यूटर आएंगे। दादाजी ने क्या बोला, भी बेटा ऐसे काम नहीं चलते, लोगों की जिंदगी चली जाएगी। लोगों ने धरने लगाने स्टार्ट कर दिए, स्ट्राइक करके बैठ के, बैंक के आगे बैठ के, है ना, कॉलेज स्कूल के आगे स्ट्राइक करके बैठ के। क्यों बैठ गए? क्योंकि अगर लैपटॉप कंप्यूटर आए तो लोगों की जॉब है वो छूट जाएगी। तो आपको क्या लगता है, उस टाइम पे जब कंप्यूटर आए, लैपटॉप्स आए, क्या लोगों की जॉब छूटी या जॉब बढ़ी? जॉब बढ़ी, सारा काम डिजिटल हो गया, लोगों को काम करना आसान हो गया, लोगों को कॉपियों के अंदर, डायरियों के अंदर खाते रखने नहीं पड़े, उसके अंदर सेव कर दिया, हर चीज आसान हो गई। तो इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उन्होंने नहीं इसके अंदर काम किया, है ना। तो उसके बाद में कौन सा रेगुलेशन आया, ऑटोमोबाइल का, गाड़ियों का दौर आया। पहले क्या होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, ऊंट गड्ढे होते थे, है ना, लोग इधर से पैदल जाते थे, है ना। जब गाड़ियां चली तो हमारे फादर साहब ने फिर क्या बोला, ऐसे काम नहीं चलते। हमारे फादर साहब ने, हमारे दादाजी ने ये रेगुलेशन भी छोड़ दिया, इसके अंदर भी काम नहीं किया। अगर वो इसके अंदर काम कर लेते तो आज हम यहाँ पे ना बैठे होते, शायद आज हम इस ट्रेनिंग के अंदर ना बैठे होते, एक अच्छे बिजनेसमैन होते, या हमारे पास एक अच्छा बिजनेस होता, लाखों रुपए हमारे पास होते, एक रिच फैमिली से हम बिलोंग कर रहे होते। तो ये दो रेगुलेशन उन्होंने छोड़ दिए, उन्होंने काम नहीं किया। उनके माइंड के अंदर क्या चल रही थी, एक नेगेटिविटी चल रही थी भी, ये चीज आएगी तो हमारे पे बोझ है, या हमारे पे क्या हो जाए, बाहरी बन जाएगी, है ना, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अगर वो इसके अंदर काम करते तो उनके पास क्या होता, अच्छा पैसा होता, अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते। यह चीज छोड़ दी। उसके बाद में क्या आया, वाटर का रेगुलेशन आया, और वो हमारे टाइम पे भी आया। हम छोटे छोटे थे, है ना, छोटी क्लास के अंदर हम पढ़ते थे, है ना, उस टाइम पानी बिकना स्टार्ट हुआ, तो हमारे दादाजी ने हमारे को क्या बोला, या हमारी दादी जी ने, फादर साहब ने हमारे को क्या बोला, बेटा पानी थोड़ी ना बिकेगा, हमारे घर पे नलके लगे हैं, नहर चल रही है ना, अच्छा पानी है, बोर लगे हुए हैं खेत के अंदर, पानी कहाँ बिकेगा। पर आज के टाइम के अंदर आप मेरे को एक चीज बताओ, पानी बिक रहा है या नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है या नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है ना। आप मान के चलो, यहां से जयपुर से अगर मैं चंडीगढ़ के लिए बैठता हूं ना, तो मैं कम से कम 3-4 लीटर पानी पी जाता हूं,
ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप कम से कम 50 रुपए 100 रुपए का पानी पीते हो, क्या पानी बिक रहा है या नहीं बिक रहा? पानी बिक रहा है। क्या ये पानी जो बंदा बेच रहा है उसको पानी खरीदना पड़ता है? नो, इसने क्या लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपना माइंड को इन्वेस्ट किया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसको पानी को फिल्टर करके लोगों के पास सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास तो पैसा आ रहा है ना, उसको खरीदना नहीं पड़ रहा, उसको कहीं से लेके नहीं आना पड़ रहा, वो नहरों से या बोर का पानी फिल्टर कर रहा है। तो भाई ये 3 रेगुलेशन आज हमने छोड़ दिए हैं। अगर हम इसके अंदर काम करते तो आज अच्छा पैसा हमारे पास भी होता। क्यों नहीं है? इसकी वजह से नहीं है। जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब हमारे पास कोई सिस्टम आता है, जब हमारा दोस्त हमारे पास को कोई काम के बारे में बताता है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, हल्के से ले लेते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। भी हाँ यार, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैंने अच्छी स्टडी करी है, मैंने PhD करी है, मैंने MTech करी है, मैंने BTech करी है, मैंने डिग्री ले रखी है, मेरे लेवल का काम थोड़ी ना भाई। आज आप समझोगे नहीं, आज के टाइम के अंदर जो बंदा गवर्नमेंट भी लगा हुआ ना, वो बंदा भी सिस्टम को कर रहा है, उसको भी पैसिव इनकम चाहिए। जो उसको गवर्नमेंट से आ रही है वो तो अलग से है, यहाँ उसको भी साइड बिजनेस चाहिए, उसको भी साइड से पैसा आना चाहिए। तो हम तो स्टूडेंट है, जब हम तो कामयाब भी नहीं है, हमारे पास तो कोई सिस्टम भी नहीं था जहां से हमारे को पैसा आ रहा है। तो आज आपको सिस्टम मिल रहा है, आप इस सिस्टम को समझो, अंडरस्टैंड करो, हमारा कुछ जा रहा है। आपको घर पे बैठ के ट्रेनिंग मिल रही है ना, ना आपने ट्रेनिंग की फीस पे करनी, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना, समझना है। अगर आपको अच्छा लगे तो करना स्टार्ट कर दियो भाई। पहले हमारे दादाजी ने तो छोड़ दिया, वो आज 0 बैठे हैं। अगर आज हमारी जिंदगी से निकल रहे हैं ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे को गालियां देंगे भी, हाँ बेपा आपने कहीं पे काम नहीं किया, उस टाइम आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। जैसे आज हम अपने फादर साहब को बोल रही, 3 रेगुलेशन निकल गए, उन्होंने नहीं काम किया, है ना। तो फिर हमारे मुंह से नहीं तो हमारे बच्चों के मुंह से ये चीजें निकलेगी। पोल्यूशन, आज का जो पोल्यूशन है वो आप देख रहे हो, ठीक है। जो एयर है, जो वाटर है ना, जो हम हवा ले रहे हैं वो शुद्ध आ रही है ना हमारे पास, बहुत ज्यादा शुद्ध आ रही है। ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, तो आज आप हालात देख रहे हो फैक्ट्रियों के, जो चिमनियों का धुआं, जो फैक्ट्रियों का धुआं, वो कहाँ जा रहा है, आसमान में जा रहा है। और वहां से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। और दूसरी साइड वाटर, जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल है, जो गंदा तेजाब है, वो कहां पे, समुद्रों के अंदर डाला जा रहा है, और वही पानी हमारे घरों तक आया जाता है, और वो हम पीते हैं, और पीने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद में हम कहां जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या, 10 रुपए की टेबलेट दे देता है, 100 रुपीज ले लेता है, 100 रुपए ले लेता है, ले बेटा खा ले। और ये हो क्यों रहा है, सिर्फ इसी वजह के कारण सभी पर्सन के घर पे आज के टाइम के अंदर वाटर कूलर RO नहीं लगा हुआ। जब वो बंदा फिल्टर पानी करके नहीं पी रहा, जैसे नदियों से समुन्द्र से पानी घरों तक सप्लाई होता है, वही पानी बंदा यूज कर रहा है, वही पानी। और आज का जो रेगुलेशन है तो वो मैं आपको बता ही दिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ये अपनी कंपनी का नाम है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। आज से 44 साल पहले ये कंपनी फॉरएवर अमेरिका से एरिजोना से स्टार्ट हुई थी, और आज 170 प्लस कंट्रीज के अंदर इसका जो बिजनेस है वो डिवाइड हो चुका है। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस है वो चल रहा है, और ये कंपनी का हेड ऑफिस है जो अमेरिका के अंदर एरिजोना के अंदर बना हुआ है, और कंपनी की पर्सनल झील बनी हुई है। थोड़ा सा हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं भी, ये सिस्टम है क्या, और कैसे ये स्टार्टअप हुआ, और स्टार्टअप होते होते कहां तक पहुंच गया। देखो, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर अगर आपने करियर लगाना है तो उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलो, आपने जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ आपने मैरिज करनी है, जहां आपने शादी करनी है, उस लड़की के बारे में हमारे को पता होना चाहिए,
क्लियर हो रहा है, उसका बैकवर्ड थोड़ा सा हमारे को जानना चाहिए, है ना। तो वैसे ही आपको इस कंपनी की प्रोफाइल, इसकी बैकबोन थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्या वाक्या के अंदर, इस कंपनी के अंदर मैं अपना करियर लगा रहा हूं तो ये कंपनी मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, वो चेंज कर सकती है, और क्या मैं इस जिंदगी इस फरावर से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। क्लियर हुआ? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये अपने 13 पर्सन की कमेटी है ना, और 13 पर्सन की जो कमेटी है यही 170+ कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को डिवाइड कर रही है, चला रही है, 13 पर्सन की कमेटी, 13 पर्सन की कमेटी, और आज 44 साल हो चुके हैं, कोई भी पर्सन इसके अंदर से मिस आउट नहीं हुआ, सिर्फ फ्लैक्स सर को छोड़ के, है ना। आज वही पर्सन यहाँ पे बैठी है। हमारे गांव के अंदर अगर मंदिर गुरुद्वारों की कोई भी कमेटी होती है ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल 1 साल चलती है, उसके बाद में चेंज कर दी जाती है। 44 साल इसको चलते हुए चुके, ये पर्सन 13 पर्सन की जो मैनेजमेंट है यही कंपनी को मैनेज कर रही है, मैनेज कर रही है 170+ कंट्रीज के अंदर। और कंपनी 13 मई 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी अमेरिका एरिजोना से, और इसको 2020 के अंदर 42 ईयर हो चुके हैं, 2020 के अंदर इसको 42 ईयर हो चुके हैं कंपनी को चलती हुए। अगर आज कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, 44 साल इसको चलते हुए हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट लीडर है एलोवेरा और बी हनी के, ठीक है। और 170+ कंट्रीज के अंदर इसकी वर्किंग है, जो वर्क है वो चल रहा है, और पूरे ग्लोबल जो ऑफिस है वो 6,000 से प्लस इसके ऑफिस हैं, ये पुरानी स्लाइड्स है कुछ, और इसकी जो टर्नओवर है ना वो 23,000+ करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। और बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, बेस्ट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2000 के अंदर ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई थी, और आज 22 साल इंडिया के अंदर इसको चलते हुए हो चुके हैं, और 2.5 साल मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं, और 2.5 साल से फॉरएवर मेरे को पैसा दे रही है, और अच्छा पैसा दे रही है, और मेरी जिंदगी इसने चेंज करी। अगर मैं 2.5 साल पहले फरावर के अंदर आता तो हो सकता है 2.5 साल पहले मेरे को फरावर पैसा देना स्टार्ट कर देती, तो मैं मेरे को आज प्रॉपर 2.5 साल हुए, 2.5 साल से मेरे को पैसा दे रही है। अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आज आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप अपने विजन को क्लियर करके आप इसके अंदर अपना करियर लगा रहे हो, तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आप यहाँ से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। पर जिंदगी को चेंज करने के लिए आपको अपनी डिसीजन बनाना पड़ेगा, बिलीव यूअर सेल्फ, बिलीव इन यूअर सेल्फ, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है भी। हाँ मैं इसके अंदर अपने करियर को लगा रहा हूं तो मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ, या मेरी मैं इस फॉरएवर लिविंग से अपने जिंदगी या अपनी फैमिली की जिंदगी को चेंज कर दूंगा। पर सबसे पहले मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूं, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। तो अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आप यहाँ पे डैम श्योर सक्सेस हो सकते हो, डैम श्योर सक्सेस हो सकते हो, पर आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। आज के टाइम के अंदर कोई भी इंसान लगा लो उसको खुद पे ट्रस्ट ही नहीं होता, क्यों नहीं होता? अब वो कोई भी काम करता है वो अपने दोस्त के पास जाता है, वो या अपने फैमिली मेंबर के पास जाता है, उसको बोलता है क्या मैं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मैं इसके अंदर काम कर लूं, वो क्या बोलेगा, उसका डिसीजन वो बनाएगा, क्या बनाएगा, ऐसे कंपनियां ऐसी होती हैं। देखो ऐसी कंपनियां ऐसी होती हैं जो पहले 3 रेगुलेशन आए, हमारे दादा फादर साहब ने उनको छोड़ दिया, हमारी जिंदगी आज डेड पड़ी है। उन्होंने किसकी बात मानी, उन्होंने लोगों की बात मानी। और काफी पर्सन यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनकी फैमिली से पर्सन गवर्नमेंट जॉब के अंदर उस टाइम के अंदर लगे थे, आज उनको जाके पूछो उनकी जिंदगी कैसे है, पर उनको खुद पे बिलीव था, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था। इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज अपॉसिबल है अगर आप यहां से स्ट्रोंग हो तो, ठीक
ठीक है, कोई भी चीज होती है वो इम्पॉसिबल ही होती है, वो भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। लोग, मैं अगर यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, लोगों ने चांद पे जाके जमीन खरीद ली, लोगों ने फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाके जमीन खरीद ली, अच्छा पैसा अच्छा कारोबार वहां पे स्टेबल कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे बिलीव था। अगर वो भी ये चीज सोच सकते थे, ना भाई ये चीज हम पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, क्या लगता है मेरे आने से पहले लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हुए? बहुत सारे लोग। हम क्या करते हैं, हम यही चीज सोच लेते हैं, मैं ना बना तो। क्या लगता है आपने जन्म लिया, आपको जन्म लेने के बाद में लोगों ने जन्म नहीं लिया, लोग जन्म ले रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। आज जो चीज इंडिया के अंदर बन चुकी है, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, मान के चलो ये सेलफोन है, इसको मैं यूज कर रहा हूं, क्या मेरे को खरीदने के बाद में, इसके बाद में ये सेलफोन नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि उनको बिलीव है खुद पे भी, हम सेलफोन बनाएंगे, दुनिया जन्म लेगी, दुनिया इसको यूज करेगी। क्लियर हो रहा है? ये इंडस्ट्री चलेगी। 22 साल इंडिया के अंदर चलते हुए हो चुके हैं, 2.5 साल मेरे को हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, हर चीज हम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर, अगर आप करने वाले हो तो। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, सो सारा का सारा जो बिजनेस है वो हमारा इस न्यूट्रिशन पे है, जैसे मैंने आपको बताया पहले स्लाइड के अंदर, है ना, जो हवा आ रही है वो हमारे कैसे आ रही है, और जो हम पानी पी रहे हैं वो हम कैसा पी रहे हैं, शुद्ध पी रहे हैं, हवा हम शुद्ध ले रहे हैं नहीं। अगर हम खेती भी करते हैं ना, खेती भी करते हैं, उसके अंदर खाद स्प्रे डाली जा रहे हैं, और खाद स्प्रे का ही वही चीज हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 10 रुपए की चीज हमारे को 100 रुपए के अंदर देता है। यहाँ पे आपका कुछ क्लियर हो रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही है? वहां पे अगर आप 10,000 कमा भी रहे हो, है ना, तो आपका 80% पैसा आपका डॉक्टर के पास जा रहा है। अपनी फैमिली को देखो, आपकी फैमिली के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, खांसी जुखाम हो गया, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। उतना पैसा हमारे पास आता नहीं है 100% जितना पैसा हमारा डॉक्टर के पास जा रहा है, और डॉक्टर के पास मैं डैम श्योर बोल सकता हूं ये पैसा जाता रहेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर लोग जन्म लेंगे तो लोग खाएंगे भी पिएंगे भी, और लोग बीमार भी होंगे। अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास ये सिस्टम मिल गया, आपके पास, आपको हेल्थ भी मिल रही है, आपके पास वर्ल्ड के नंबर वन प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप इसको गूगल सर्च करके देखो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर आवर का नाम आ रहा है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फॉर आवर का नाम आ रहा है। भाई फॉर आवर का नाम क्यों आ रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि दुनिया के अंदर बेस्ट है। अगर आज मैं मेरा नाम डालूं नहीं आएगा, मैं मेरे दादाजी का डालूं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया। और गूगल जो चीज बेस्ट होती है वही बताएगा, क्या दुनिया के अंदर और प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, और कंपनी के नहीं मिलते हैं, बनते हैं, पर फरावर का ही क्यों आ रहा है, और जो सारा का सारा काम है वो इस प्रोडक्ट्स पे है। आपने करना क्या, इसको यूज करना है, ठीक है, आपको हेल्थ मिलेगी और यहाँ पे आपको पैसा भी आएगा, दोनों चीज है। क्लियर हो रहा है? आपकी फैमिली भी हेल्थी है और आपको अच्छा पैसा भी आ रहा है। अंडरस्टैंड हुई ये चीजें? कमिटमेंट, आपको खुद को अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा, लोगों से नहीं। लोग क्या कहेंगे, उसने मेरे को मना कर दिया, भाई लोग मना करते हैं, मेरे को भी मेरी सिस्टर ने मना किया था, मेरे से बड़े थे, है ना, राधेश्याम में ऐसा काम नहीं चलता। अगर आज मैं उनकी बात मान लेता तो आज मैं आपके सामने ना बैठा होता, आज मैं इस लेवल पे ना बैठा होता, आज मैं जीरो होता। हाँ मैं काम कर रहा होता कहीं पे 8,000 10,000 के अंदर, आज मैं इस लेवल पे ना बैठा होता। क्लियर हो रहा है? आपको एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, और अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि हाँ मेरे को करना ही करना है, तो दुनिया के अंदर किसी का बाप नहीं रो सकता आपको कामयाब करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट।
अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया भी, हाँ अगर मैंने उन जिंदगी के 20 साल 22 साल निकाल दिए, मेरा कुछ नहीं बना, मेरा कुछ नहीं बना, मैंने अगर कोई भी, आप एक क्लास भी करते हो, प्लस टू भी करते हो, 12 महीने देते हो, 12 महीने के अंदर क्या पता होता है, या तो पास होगे या फेल हो जाओगे, पर मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आपने अपना करियर यहाँ पे 6 महीने 1 साल का विजन क्लियर करके आपने इसके अंदर लगा दिया, आप डैम श्योर आप 70-80 हजार पे पहुंच सकते हो। क्लियर हुआ? तो आप अपने आपने आप से कमिटमेंट करो भी हाँ मैंने यहाँ पे अपना करियर अपना विजन क्लियर करके लगा, खुद पे मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। चैलेंज, देखो इस बिजनेस को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैलेंज आपको आएंगे। क्या आएंगे? चैलेंज आपको आएंगे, आपके रास्ते के अंदर लोग आएंगे, आपके यार दोस्त आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, वो आपको बोलोगे भी हाँ अमित कहाँ जा रहा है, हाँ सनी कहाँ जा रहा है, हाँ रोहित किधर को, इधर कुछ नहीं है, मैंने भी कुछ टाइम पहले करके देखा था, मेरा कुछ नहीं बना भाई, मैं एक ही चीज इधर से सुनना है, इधर से निकालना है और अपना खुद का डिसीजन बनाना है। वो आपको क्यों रोकेंगे? क्योंकि उनको क्लियर है इसके अंदर पैसा है। कई चैलेंज आएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको खुद को निकालना पड़ेगा भी हाँ आपने नेगेटिव सोचना है, जब पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोच लिया तो ये सोचोगे भी मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा। दुनिया के अंदर आज हम इस रोशनी के अंदर बैठे हैं, 999 बार वो बंदा फेल हुआ था, अगर वो बंदा 1000वीं बार अगर ट्राई ना करता तो आज हम अंधेरे के अंदर बैठे होते, आज हम डेड बैठे होते, आज हम रोशनी के अंदर ना बैठे होते, क्योंकि उसको खुद पे बिलीव था भी हाँ मैं करूंगा, ये होगा और ये चानन होगा, और वो उस बंदे ने आज बल्ब की खोज करी थी ना उस टाइम पे, तो आज हम उस बंदे की बदौलत रोशनी के अंदर बैठे हैं, पर उसने सोल्यूशन खुद ने निकाला था, उसने लोगों पे बिलीव नहीं किया। आज से 2.5 साल पहले मैंने मेरी फैमिली पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने अपने यार दोस्त पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने मेरी अपलायंस पे ट्रस्ट किया, जो बंदा मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेके आया था, मैंने उस बंदे की बदौलत आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, उस बंदे ने मेरे को गाइड किया। क्लियर हुआ? गोल, गोल आपको बनाना पड़ेगा, गोल क्या बना सेट करना पड़ेगा भी हाँ मेरे को कितने टाइम तक इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल करनी है, मेरे को सक्सेस हासिल करनी है। अगर ये चीज आपने लिख ली, आपने डैम श्योर आपने अपने एक जो पेज होता है ना उस पे लिख लिया भी हाँ मेरे को इतने टाइम तक कामयाब होना है और मैंने इतने टाइम मैंने फॉरएवर को देना है और इतने टाइम तक मैंने इतने इतना चेक बनाना है, तो भाई गाइड करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। गोल आपको सेट करना पड़ेगा और गोल बनाने के बाद में उसके साथ के साथ प्लान बनाना पड़ेगा भी ये काम होगा कैसे और मेरे को कैसे चलना पड़ेगा, मेरे को कितना टाइम इस बिजनेस को देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये चीज आपको साथ के साथ रखनी पड़ेगी, उसके बाद में पूरा फोकस करके उस पे आपको चलना पड़ेगा, उस गोल पे और उस प्लान पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपने उस गोल पे और उस प्लान पे पूरा फोकस कर लिया तो दुनिया आपके लिए क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, दुनिया आपको दिखाई नहीं देगी, आपके यार दोस्त आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको क्या चीज दिखाई देगी? सामने आपकी सक्सेस, जिसके अंदर आपने कामयाब होना है, जिसके अंदर आपने अपना करियर लगाया, अंडरस्टैंड हुआ, जिसके अंदर आप अपना करियर लगा रहे हो। स्टार्टिंग टाइम, ये चीज ना यार आप ध्यान से देखना, जो पर्सन आज आपके सामने बैठा है ना वो लाइन के अंदर कितने नंबर पे खड़ा है, कौन से नंबर पे खड़ा है? 4th नंबर पे खड़ा है वो बंदा, जो बंदा आज आपको ट्रेनिंग दे रहा है। आज से 2.5 साल पहले वो कहां पे खड़ा था? एक लाइन के अंदर खड़ा था। जिस बिजनेस के अंदर आज आप आए हो ना, मैं भी भाई चंडीगढ़ ऑफलाइन जाके इस बिजनेस को देखा था। क्लियर हुआ?
और ये पिक आज आप देख सकते हो। ये कितने पर्सन खड़े हैं? 6 पर्सन खड़े हैं। कितने पर्सन खड़े हैं? 6 पर्सन खड़े हैं। पहले नंबर पे रवि सर खड़े हैं, सेकंड नंबर पे विक्रम सर खड़े हैं, थर्ड नंबर पे संदीप सर खड़े हैं और चौथे नंबर पे मैं खड़ा हूं, और उसके बाद में सुनील सर खड़े हैं जिन्होंने आपको कल ट्रेनिंग दी थी 7 PM पे, और एंड के अंदर कौन खड़ा है? पवन नांदीवाल सर खड़े हैं। इन पर्सनों की भी आपको ट्रेनिंग है वो मिलेगी। और सेकंड पिक के अंदर कौन खड़ा है? रवि सर। और उनके गले के अंदर क्या है? रेड कलर का बैलेट है, मैनेजर लेवल का। आज छोटी सी एज के अंदर मैं लीनियर कलम मैनेजर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे विक्रम सर, संदीप सर, और चौथे नंबर पे जो बंदा आज आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये भी आज एक मैनेजर लेवल, एक अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। कभी सोचा नहीं था भी यहां तक भी मैं पहुंचूंगा। देखो, डिसीजन बनाया था। क्या बनाया था? एक डिसीजन बनाया था खुद करने, खुद पे बिलीव था भी हाँ मैं करूंगा, और ये चीज कर दी। और आज से 2.5 साल पहले ये बंदा क्या करता था? खेत के अंदर काम करता था। फादर साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, है ना, ताया साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, और उनके पीछे क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। कुछ भी पता नहीं था। एक गांव से निकले थे, और गांव के अंदर आपको पता है स्टडी माहौल कैसा होता है, कुछ भी नहीं पता होता है ना। उस जिंदगी से निकल के एक अच्छी जिंदगी के अंदर आज मैनेजर जिंदगी है वो इंजॉय कर रहे हैं। ये जिंदगी अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, ये जिंदगी अगर मैं जी सकता हूं, तो आप क्यों नहीं जी सकते? हर इंसान जी सकता है, पर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये मेरा नाम मिलेनियर क्लब के अंदर आ चुका है, आज मैं मिलेनियर बन चुका हूं। मिलेनियर कौन होता है? जो 5% लोगों के अंदर आते हैं, जो 5% लोगों के अंदर आते हैं। 5% लोग कौन होते हैं? जो जिस बंदे की 1 साल के अंदर 10 लाख से प्लस इनकम होती है, वो मिलेनियर क्लब के अंदर उनका नाम आ जाता है, 5% लोगों के अंदर। और मेरा इस लास्ट मंथ के अंदर मेरा मिलेनियर के अंदर भी नाम आया, मैं मिलेनियर बन चुका हूं। और अभी मेरे पास ग्रीन लेवल का पटा भी मेरे घर पे आएगा, है ना। देखो, ऐसी जिंदगी आज आपको ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? तो इन चीजों को आपने क्या करना है? अंडरस्टैंड करके जानी है। तो मैं, मेरे को क्लियर है अभी, है ना, आपका सभी का आज विजन है वो क्लियर हुआ होगा। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो दुनियादारी की आज आपको समझ में आई होगी, है ना, और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है कल 7 PM पे, वो रवि निरानिया सर की ट्रेनिंग होने वाली है, और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और आपको उस ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है और आप कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो आपको फुल एक्साइटमेंट के साथ आपने वो ट्रेनिंग लगानी है, और अपनी अपलाइंस को अभी बोलना है भी मेरे को कल 7 PM वाली ट्रेनिंग का लिंक चाहिए। अभी आपने मैसेज करना है, और इस ट्रेनिंग का अभी आपने क्या लेना है? एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और अपनी अपलाइंस जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया उनको सेंड करना है। और आप मेरे को इंस्टा पे आप मेरे को जरूर मेंशन करना, मैं आपकी स्टोरी डालूंगा, है ना। तो मेरे को क्लियर हुआ, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको क्लियर हो चुकी है। और कल वाली जो ट्रेनिंग है वो आपने मिस नहीं करनी है। जो ट्रेनिंग होगी वो रवि सर की ट्रेनिंग होने वाली है। क्लियर हुआ? और थैंक यू है टीम 23 का, और जिनकी बदौलत आज यहां तक पहुंच सकते हैं। ये गोवा का टूर है ना, और यहां तक पहुंचे, और बहुत जल्दी फॉरेन के टूर भी इस कंसेप्ट से मिलने वाले हैं। बहुत लग्जरी चीजें हैं वो इंजॉय कर सकता हूँ। अगर मैं इतनी एज के अंदर कर सकता हूँ तो आप में क्या कमी है भाई? इंसान मैं हूं, इंसान आप हो। माँ के पेट से मैंने जन्म लिया, माँ के पेट से आपने लिया। आप भी ये चीजें कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, अंडरस्टैंड हुई ये चीजें? काफी पर्सन है जो सो गए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और काफी पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ये ट्रेनिंग लगाई, है ना। तो वादा है आपके साथ, है ना,
तो सभी को पूरी सपोर्ट रहेगी, है ना। तो अपना विजन क्लियर करके आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो लगानी है, और उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा आप इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हो और कैसे मेरी तरह अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ? और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है, और विश यू अच्छी आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करना है ना, और लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। और लव यू है सभी को, चक दो फट्टे, ठीक है। और हम किसी से कम नहीं है, क्या है, कम नहीं है। जिंदगी एक बार मिली है, पर इस जिंदगी के अंदर अपनी पहचान बना के जाना। क्लियर हुआ? तो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से खींच के रखो काम।